प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से आदम और हव्वा की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है दोस्तों उत्पत्ति की पुस्तक में कि परमेश्वर ने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उस समय पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और वहाँ गहरा अंधियारा था। तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजियाला हो गया। तब परमेश्वर ने उजियाले व अंधियारे को अलग अलग कर रात और दिन बनाए। फिर परमेश्वर आकाश के नीचे इसी प्रकार बहुत से पशु तथा पक्षी बनाए तथा जल में रहने वाले जीव जंतु भी परमेश्वर ने वहाँ बनाए। इसी प्रकार परमेश्वर ने पेड़ पौधे तथा वनस्पति की भी रचना की दोस्तों। यह सब काम परमेश्वर ने 5 दिन में समाप्त किया तथा फिर परमेश्वर ने देखा कि सब अच्छा है। तब परमेश्वर ने देखा कि इस सृष्टि पर अधिकार रखने के लिए भी कोई होना चाहिए। तब परमेश्वर ने 6ठे दिन मनुष्य की रचना की। परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को मिट्टी से बनाया तथा फिर उसके नथनों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंका, जिससे आदम एक जीवित प्राणी हो गया तथा परमेश्वर ने आदम को अपने समानता तथा स्वरूप में बनाया। यह सब काम करके परमेश्वर ने फिर 7वें दिन विश्राम किया। फिर आगे हम देखते हैं दोस्तों, तब परमेश्वर ने आदम के लिए पूर्व की ओर अदन की वाटिका लगाई और फिर वहाँ आदम को जिसने उसे रचा था रखा। और वहाँ यहोवा ने भांति भांति के वृक्ष तथा पेड़ पौधे जिसके फल खाने में अच्छे थे उस वाटिका में लगा दिए। और परमेश्वर ने उस वाटिका में जीवन के वृक्ष को और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया तथा उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकलती थी जो कि 4 धाराओं में बटी थी। वहाँ आदम को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, अर्थात वाटिका खुद ब खुद ही सींचती रहती थी। तब आगे हम देखते हैं दोस्तों, तब परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रखा तथा उसकी देखरेख का जिम्मा उसे दे दिया एज ए सुपरवाइजर दोस्तों। और यहोवा ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब फल खाना, परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल ना खाना, क्योंकि यदि तू उसे खाएगा तो तू मर जाएगा। तब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब जाति के बनैले पशु पक्षियों तथा जीव जंतु को आदम के पास लाकर उनका नाम रखने को कहा तथा फिर आदम ने जिस जिस का जो नाम रखा दोस्तों, वही उनका नाम हो गया। तब यहोवा ने देखा कि इनमें से कोई भी आदम की मैच का नहीं। तब यहोवा ने उसका एक सहायक बनाने के विषय में निर्णय लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया दोस्तों, तथा फिर परमेश्वर ने आदम की पसली निकाली तथा उसकी जगह मांस भर दिया तथा फिर उस पसली से परमेश्वर ने नारी की रचना की। तब परमेश्वर ने देखा कि वह उत्तम है और आदम की सहायक बनने के योग्य है। तब आदम ने कहा कि यह मेरे मांस में की मांस तथा हड्डी में की हड्डी है, इसलिए इसका नाम हव्वा है। इस प्रकार उसका नाम हव्वा पड़ा। तब परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी तथा एक तन बने रहने की फिर आज्ञा दी। तब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उनमें से एक सबसे धूर्त सांप था। तब जब आदम और हव्वा उस वाटिका में रहने लगे तथा वह आनंद से जीवन जीने लगे, तब एक दिन वह धूर्त सांप वहाँ आया तथा हव्वा से कहने लगा कि क्या यह सत्य है कि परमेश्वर ने तुम्हें सभी फल खाने की आज्ञा दी है? तब हव्वा ने सांप से कहा, हाँ हम सभी फल खा सकते हैं सिवाय भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल के, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि यदि हम उसे खाएंगे तो हम मर जाएंगे। इस पर उस सांप ने कहा,
नहीं, ऐसा नहीं है, तुम इसे खाकर नहीं मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जब तुम इसे खाओगे तो तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब सांप ऐसा कह रहा था हव्वा से, तब हव्वा शायद यह भूल ही गई थी कि वो तो पहले से ही परमेश्वर की समानता में उसके तुल्य ही रची गई है। तब हम आगे देखते हैं कि हव्वा ने जब फल देखा तो वह लालच में आ गई तथा उसने फिर वह फल तोड़ा तथा उसकी खूबसूरती देखकर उससे रहा नहीं गया तथा फिर उसने वह फल खा लिया तथा उसने फिर वही फल आदम को भी खाने को दिया तथा उसने भी फिर वह फल खाया। इसी तरह दोस्तों, आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को सांप के बहकाए में आकर तथा लालच में आकर तोड़ा। तब हम आगे देखते हैं, जैसे ही दोनों ने वह फल खाया तब उनकी आंखें खुल गई। यहाँ आंखें खुलने से मतलब भले बुरे ज्ञान की आंखों से है दोस्तों, जिससे परमेश्वर ने उन्हें अलग किया हुआ था। उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता ना थी, ना ही उन्हें कोई बुद्धि इस्तेमाल करने की जरूरत थी। सब कुछ पहले से ही परमेश्वर ने स्वयं ही प्रबंध किया हुआ था। बस उन्हें वहां आनंद से रहने की जरूरत थी, जो कि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने के कारण उनसे छिन गया। तब हम देखते हैं दोस्तों, जब उनकी आंखें खुली तब उन्होंने देखा कि वह नंगे है, तब वह एक पेड़ के पीछे शर्म के कारण छुप गए। पहले भी वह नग्न ही थे दोस्तों, परंतु तब उन्हें इस बात की समझ व चिंता नहीं थी। तब हम आगे देखते हैं दोस्तों, जब सांझ हुई तब परमेश्वर आदम से मिलने वहां आए। दोस्तों, बाइबल दर्शाती है कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय आदम से मिलने वहां आया करते थे। तो उस दिन वह वहां आए तथा उन्होंने आदम को पुकारा तथा कहा, हे आदम, तू कहां है? तब आदम ने कहा कि परमेश्वर, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया हूं तथा छिप गया हूं, क्योंकि मैं नंगा हूं। तब परमेश्वर ने उससे पूछा कि तुझे यह कैसे ज्ञान हुआ कि तू नंगा है? क्या तूने भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल खा लिया? तब आदम ने कहा, जी, मैंने वह फल खाया, परंतु जो स्त्री तूने मुझे दी थी, इसने ही मुझे वह फल खिलाया। यहाँ समझने की बात यह है दोस्तों कि यहाँ आदम ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की तथा दोष की भावना से भर कर कहने लगा कि जो स्त्री हव्वा तूने मुझे दी थी, उसी ने यह फल मुझे खिलाया। यदि दोस्तों वहाँ आदम ईमानदारी से बिना दोष लगाए अपनी गलती मान लेता तो परमेश्वर उसे पूर्णतः क्षमा भी करते, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही दयालु और करुणा निधान है। परंतु उसने ऐसा ना करके दोष के साथ उसका वर्णन किया। आगे हम देखते हैं, फिर परमेश्वर ने हव्वा से पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया? तब उसने भी सांप पर इल्जाम लगाते हुए ऐसा ही कहा जैसा आदम ने कहा था। जो गलती आदम ने की वही फिर हव्वा ने दोहराई। तब परमेश्वर ने सर्प से कहा कि तूने जो यह पाप किया है, इसलिए तू सब बनैले पशुओं से अधिक शापित है तथा जीवन भर तू अपने पेट के बल चलेगा तथा मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में पैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा तथा तू उसकी एड़ी को डसेगा। तब परमेश्वर ने उस स्त्री हव्वा से कहा, तूने जो यह अपराध किया है, इसलिए मैं तेरे गर्भवती होने की और प्रजनन करने की पीड़ा को बढ़ाऊंगा और तेरी लालसा सदा तेरे पति की ओर लगी रहेगी तथा वह तुझ पर प्रभुता रखेगा। इसीलिए दोस्तों, स्त्री का गर्भवती होना तथा जन्म देना पीड़ा से भरा हुआ होता है तथा वह अपने पति की ही अधीनता में है। तब आगे परमेश्वर ने आदम से कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और फल खाकर मेरी आज्ञा को तोड़ा, इसलिए अब भूमि तेरे कारण शापित है। अब तू इसकी उपज जीवन भर दुख के साथ काटेगा और तू अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, मनुष्य मेहनत करता, पसीना बहाता है तथा फिर वह रोटी कमा पाता है और अंत में मिट्टी में मिल जाता है।
यह था यहोवा का श्राप मानव जाति पर, जो पाप में गिरने के कारण मनुष्य पर आया। अन्यथा पहले तो परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में केवल आनंद के रहने के लिए रचा था, तथा सब पशु पक्षियों पर उसे अधिकार भी दिया था। मैं ऐसा समझती हूँ दोस्तों, तब तो शायद पसीना भी नहीं बहता था, यह भी आदम के पाप के करने के पश्चात ही आया, क्योंकि आदम को अदन की वाटिका में मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, वह वहाँ आराम से रहा करता था। परंतु एक पाप करने के कारण ही यह शाप मानव जाति पर आया। तब हम आगे देखते हैं दोस्तों कि यहोवा ने कहा कि मनुष्य भले बुरे ज्ञान का वृक्ष खाकर पाप कर बैठा है, ऐसा न हो कि अब वह जीवन के वृक्ष का फल चखकर सदा जीवित रहे तथा गलत कामों में पड़ा रहे। तब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया तथा फिर जीवन के वृक्ष के चारों ओर आग की सी तलवारों का पहरा लगा दिया, तथा फिर यहोवा ने आदम और उसकी पत्नी को चमड़े के अंगरखे भी पहनाए दोस्तों, जिससे वह लजाते ना फिरे। तब भी परमेश्वर उनसे प्रेम करता था दोस्तों। तब परमेश्वर ने फिर उनसे कहा कि जाओ प्रजनन के साथ पृथ्वी भर में फैल जाओ तथा फूलो फलो। ऐसा आशीष यहोवा ने फिर आदम और हव्वा को दिया। यही है दोस्तों पहले मनुष्य आदम और हव्वा की कहानी, जिनके द्वारा सृष्टि में मनुष्य आए तथा आज्ञा न मानने के कारण पाप पृथ्वी पर आया तथा फिर मृत्यु। पहले परमेश्वर ने मनुष्य की मृत्यु नहीं रखी थी दोस्तों, परंतु पाप के कारण परमेश्वर ने मनुष्य की एक उम्र निर्धारित कर दी। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम भी अब कोई पाप ना करें, और यदि हमसे जाने अनजाने में कोई पाप हो भी जाए तो हमें उसे ईमानदारी से परमेश्वर के सामने मान लेना चाहिए, तथा फिर वह हमें क्षमा करता है क्योंकि वह दयालु है। इस प्रकार हम परमेश्वर की सभी आशीषें प्राप्त कर पाते हैं जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए जीवन की उत्पत्ति से ही रखी थी। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरता रहे। आप इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।